ये देख सकते हैं लाइव डेमो आपको दिखाया जा रहा है किस टाइप से कंटेनर बनके पूरे रेडी किए जाते हैं। ये देखिए A1 फिनिशिंग के साथ, A1 क्वालिटी के साथ इस टाइप से कंटेनर बनके आपके रेडी हो जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया आपके लिए रहने वाला है। महीने का आप बहुत ज्यादा कमा सकते हो। जैसे कि पहले की वीडियो में हमने आपको दिखाया था किस टाइप से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद कैसे लाइव डेमो पूरा हो रहा है, कंटेनर बनके आपके रेडी हो रहे हैं, फॉइल कंटेनर बनके रेडी हो जा रहे हैं। ये देखिए, मतलब देख सकते हैं आप, इस टाइप के कंटेनर पूरे बनके रेडी हो गए। फूड लाइन का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस हो गया है जो कि बहुत ज्यादा चलता है, तो आपको फॉइल कंटेनर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो इसमें इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी कि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उस यूनिट में मैं आ चुकी हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे फॉइल पेपर किस टाइप से बना के रेडी किया जाता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कैसे फॉइल पेपर पूरा, फॉइल पेपर कंटेनर पूरा कैसे रेडी किया जाता है। पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आ गई हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से रेडी किया जाता है, पूरा प्रोसेस आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, मतलब पूरी मशीन पूरी रेडी है। वन बाय वन करके स्टेप दिखाऊंगी किस तरीके से फॉइल पेपर कंटेनर बना के मार्केटिंग शुरू कर। फ्रेंड्स, फॉइल पेपर कंटेनर की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उस यूनिट में मैं आ चुकी हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे फॉइल पेपर किस टाइप से बना के रेडी किया जाता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारे क्लाइंट्स को दिखा दीजिए, पूरा इस टाइप से रेडी किया जाता है। ये देख सकते हैं पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है फॉइल पेपर कंटेनर बनाने का। तो ये देख सकते हैं इधर के साइड को देखिए, मतलब इधर की साइड को ये पूरी उसकी जो डाई वगैरह जो भी होती है कंटेनर की, वो पूरी रेडी की जा रही है। ये देखिए किस टाइप से इसको बनाया जा रहा है, पूरी मैन्युफैक्चरिंग आज आप इसको, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे किस टाइप से इसको बनाया जा रहा है। मतलब फॉइल पेपर कंटेनर तो मार्केट में बिकते हुए आपने बहुत देखेंगे, लेकिन किस टाइप से बनाए जाते हैं आज आपको इस वीडियो में लाइव दिखाने वाली हूँ। बिल्कुल लाइव डेमो में आपको दिखाने वाली हूँ कि फॉइल पेपर कंटेनर बनाए कैसे जाते हैं, कितनी मेहनत से बनाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, मतलब पूरा प्रोसेस आपको दिख रहा होगा, वन बाय वन करके सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है कि फॉइल पेपर का बिजनेस करके। ये देख सकते हैं ये डाई कटिंग मशीन रहने वाली है, किस टाइप से इसको किया जा रहा है, ये पूरा ग्राइंडर रहने वाला है। ये देख सकते हैं पूरा प्रोसेस आपको दिखाया जा रहा है इस वीडियो में। ये देखिए इधर से आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरा रेडी किया जाता है, मतलब देखिए डाई कटिंग की जा रही है, इस पे पूरा इसको सेप दिया जा रहा है एक। ये देखिए किस टाइप से कंटेनर हमारा रेडी होना है, किस टाइप से बनना है, उसकी प्रॉपर एक सेप दी जा रही है, क्योंकि ये डाई कटिंग मशीन होने वाली है। पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। देख सकते हैं उधर भी हमारे भाई लगे पड़े हैं, देखिए किस टाइप से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, पूरा मैन्युफैक्चर पूरी मैन्युफैक्चरिंग आज आपको इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ किस टाइप से फॉइल कंटेनर बनाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा सेल होते हैं, बहुत ज्यादा बिकते हैं। आजकल अगर कोई अपना फूड लाइन का अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करके बैठा हुआ है तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट वाला बिजनेस रहने वाला है। अलग अलग टाइप की यहाँ पे आपको डाई मिल जाएगी, कैसे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है सारा प्रोसेस आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ मैं। ये देख सकते हैं पूरी मशीन यहाँ पे, पूरा सेटअप यहाँ पे आप रेडी कर सकते हैं, बहुत अच्छा महीने का बहुत अच्छा कमा सकते हैं। तो बहुत ही सर, जैसा कि अभी हमने आगे वीडियो में लाइव डेमो दिखाया पूरा, तो इतने सारे कंटेनर बन के रेडी हो गए, मतलब कितने टाइम में हुए ये रेडी? तो आपका एक मिनट भी नहीं हुआ होगा, एक मिनट में। अच्छा, एक मिनट में पूरे बन के रेडी हो गए, तो देख सकते हैं मतलब कितने कम टाइम में पूरे कंटेनर बन के रेडी हो गए। फिनिशिंग देख सकते हैं, बहुत अच्छी इनकी फिनिशिंग आई है, मतलब ऐसी फिनिशिंग सबकी आने वाली है, मतलब इसको सेट कर देते हैं अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से रेडी हो जाता है ये। तो बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया रहने वाला है आपके लिए, तो फटाफट से जाके स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी मशीन अपने घर तक मंगवा लीजिए। मैं आपको लाइव डेमो दिखा रही हूँ मैं, फॉइल कंटेनर कैसे बनाया जा रहा है यहाँ पे, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग तो हमने आपको दिखा दी थी और किस टाइप से फॉइल कंटेनर बनाया जा रहा है ये आपको पूरा लाइव डेमो दिखाया जा रहा है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ यहाँ पे फॉइल कंटेनर बन के रेडी हो जा रहे हैं। ये देखिए, मतलब देख सकते हैं आप, इस टाइप के कंटेनर पूरे बन के रेडी हो गए, और वो भी फिनिशिंग देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी फिनिशिंग में आपके फॉइल पेपर कंटेनर बन के पूरे रेडी हो। पहले हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कहाँ पे लोकेटेड है आप? ये हमारी कंपनी आपकी नोएडा सेक्टर 6 D58 में है। ओके। और आज हम लोग जो है ये कंटेनर्स आप देखते होंगे मार्केट में, सोचते होंगे कि ये कैसे बनती है। जी जी, आज मैं आपको बता रहा हूँ उसके लिए मशीन लेके आया हूँ कि कौन सी मशीन से ये बनती है, किस तरह से बनती है, क्या प्रोडक्शन होती है, क्या लागत होती जी, है जी, क्या इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, कितनी जगह आपको चाहिए मशीन लगाने के लिए। तो आज की वीडियो में आपको ये डिटेल में आपको। जी जी बिल्कुल सर, बताइए क्या लागत मतलब लगती है अगर हम कोई भी लेना चाहें। ये जो आप पहले तो आप देख लो, ये इस तरह की मशीन होती है आपकी,
इससे आपका ये कंटेनर बन के तैयार होता है जी। ठीक है, कंटेनर कहाँ यूज होता है, दूसरा चीज तो ये कंटेनर आप कहीं भी फूड खरीदने जाओ, कुछ भी खरीदने जाओ, मोमो हो गया, चिली पोटेटो हो गया, कुछ भी खरीदने जाओगे, कुछ भी पैकिंग के लिए जाओगे, ये कंटेनर वहाँ पे लगता है जी। जी बिल्कुल लगता है। ठीक है, तीसरा ये आपका क्या इन्वेस्टमेंट आता है? हाँ जी बिल्कुल। तो आपका इस मशीन को लगाने के लिए कम से कम 10 से 15 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आपका बैठेगा, बस इतने में ही लग जाता है। और अगर बात करें कि दिन का कितना बेनिफिट ये दे सकता है, कितना ये निकाल सकता है? कोई भी आप बिजनेस करने जाओ तो 25% की मार्जिन होती है। हाँ जी बिल्कुल। तो आप देख लो 25-30% आपको इस बिजनेस में मार्जिन मिलेगी, क्योंकि मार्केट में इस बिजनेस में कोई कंपटीशन है नहीं। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। अगर जैसे बात करेगी, अगर क्लाइंट्स हमारे इस पर कितने घंटे काम करे तो उनके पूरे दिन का काम निकल जाए? देखो मैडम, मशीन तो आपकी हैवी ड्यूटी होती है, आप 10 घंटे चला के 2 घंटा छोड़ के फिर 10 घंटे चला सकते जी। जी तो बिल्कुल। मशीन को चला सकते। हाँ जी बिल्कुल। अगर सर बात करें कि कैसे परचेज कर सकते हैं, कैसे मंगवा सकते हैं, तो क्या फैसिलिटी? आपके नंबर चल रहे हैं वहाँ पे कॉन्टेक्ट करिए, हमारे फोन उठाएंगे, आपको डिटेल वगैरह, कोटेशन वगैरह सारी चीज आपको प्रोवाइड कर देंगे। और अगर बात करें कि कोई हमारा व्यूअर है जिसको नहीं है, जिसके पास इतने पैसे नहीं है, तो लोन वगैरह बैंक से लोन कर सकता है मैडम? बैंक से लोन का प्रोसेस जो होता है, पेपर वगैरह हम सारा प्रोवाइड करा सकते हैं, आपको सब कुछ करवा सकते हैं। मतलब सारी फैसिलिटीज इनके पास अवेलेबल रहने वाली है। लोन कराना है, लोन हो जाएगा। आपके पास पैसे हैं, आप तुरंत आइए, पैसे काम में बिल्कुल आपको सब कुछ करवा कर देंगे। अगर घर में फिक्स करवाना, करवा के देते हैं, सारा चीज कंपनी करके देंगे, सारा कुछ आपको करके मिलता है, ट्रेनिंग करवा के मिलती है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है कि मशीन कैसे यूज करनी है, कैसे नहीं करनी है, सारी ट्रेनिंग आपको मिलती है। सर बात करें इसको लगाकर जगह कितनी लग सकती है, हमें कितनी जगह चाहिए? जैसे कि आप देख रहे हो मशीन कम से कम 8 से 9 फुट लंबी होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको जगह जो चाहिए होता है, आपको कम से कम 12 फुट ऊंचा जगह चाहिए होता है, 12 से 15 फुट ऊंचा जगह, और 1000 स्क्वायर फीट की जगह में आपका ये मशीन आराम से आ जाती है। 1000 फीट में मतलब ये आ जाती है। देख सकते हैं गाइस, बहुत अच्छा बेनिफिट आपके लिए मिलने वाला है। देख सकते हैं ट्रेंडिंग चीजें बिल्कुल बनकर रेडी आ रही है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई ट्रेंड चलेगा या फिर अभी सीजन है, नहीं है सीजन, ऐसा कोई चीज ही नहीं है इसमें। ये हर टाइम चलने वाली चीजें हैं। हर एक छोटे से छोटे ठेले पर आपको ये जरूर दिखाई देगा, क्योंकि पैकेजिंग का काम हर जगह होता है, तो आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है। बाकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, कॉल या व्हाट्सअप करके आप आगे की जानकारी लीजिए और जल्दी से जल्दी बिजनेस अपना स्टार्ट कीजिए।